Morning students, today we will do some question answers given on page number 13 of your book. आपकी book में page number 13 पर जो question answers हैं वो हम करेंगे. Let me read the first question. मैं first question पढ़ती हूँ. Fill in the blanks with the words given in the brackets. कि जो bracket में words दिए हैं आपको उन वर्ड्स का यूज करके ये ब्लैंक्स को फिल करना है. फर्स्ट वर्ड क्या है हमारे पास? बोट्स. बोट्स बोट्स क्या करती हैं बच्चों? जो नाव होती हैं वो पानी में तैरती हैं, और तैरने को हम इंग्लिश में बोलते हैं सेल. तो बोट्स के आगे हम सेल लिखेंगे यहाँ पर, क्योंकि बोट्स तैरती हैं. आगे है डॉग्स. डॉग्स क्या करते हैं बच्चों? कुत्ते जो होते हैं वो भौंकते हैं, तो और भौंकने को हम बोलते हैं बार्क. तो यहाँ आप बार्क लिखोगे. नेक्स्ट वर्ड चिल्ड्रन. बच्चों को क्या पसंद होता है? बच्चों को खेलना पसंद होता है, इसीलिए चिल्ड्रन के आगे हम प्ले लिखेंगे. नेक्स्ट वर्ड बेल्स. बेल्स मतलब घंटी. घंटी क्या करती हैं? बजती हैं. बजने को हम इंग्लिश में बोलते हैं रिंग. तो बेल्स के आगे आप रिंग लिखेंगे. नेक्स्ट वर्ड बर्ड्स. बर्ड्स जो पक्षी हैं वो सुबह सुबह क्या करते हैं? मीठी मीठी आवाज़ में वो गाना गाते हैं, और गाने को क्या बोलते हैं? सिंग. तो बर्ड्स के आगे हम सिंग लिखेंगे. तो बच्चों इनके आंसर्स मैंने यहाँ पर लिखे हैं, आप यहाँ से देखकर भी इनको लिख सकते हो. ओके, लेट मी रीड द सेकेंड क्वेश्चन. सेकेंड क्वेश्चन इज राइट द नेम्स ऑफ द डेज ऑफ द वीक. यू कैन बिगिन विद संडे. आपको ये जो लाइन्स दिए हैं इसमें डेज ऑफ द वीक लिखने हैं. एक सप्ताह में जितने दिन होते हैं उनके नेम लिखने हैं. मैंने आपको ये क्लास में भी करवाए हुए हैं. डेज ऑफ द वीक क्या होते हैं? संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे. आप सबको इन सब की स्पेलिंग लिखनी है. आप इन सब की स्पेलिंग यहाँ से देख सकते हैं. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हल्दी रोट हर नेम एट स्कूल इन दिस वे. जो हल्दी ने अपना नाम स्कूल में एक बार कैसे लिख दिया? ऐसे. ये जो दिया हुआ है स्मॉल एच ए एल डी आई हल्दी. शी मेड वन मिस्टेक. मिस्टेक मतलब गलती. उसने एक गलती कर दी. वट वॉज इट? क्या आप बता सकते हो गलती क्या है? बच्चों आप इस नाम को ध्यान से देखो और इसमें गलती ढूंढो कि उसने क्या गलती की है. जब आप नए नए स्कूल में आए थे मैंने आपको नाम लिखते समय एक बात बताई थी, और मैं क्लास में बताती भी रहती हूँ कि जब भी आप अपना नाम लिखेंगे उसका फर्स्ट लेटर क्या होता है? कैपिटल होता है, बड़ा होता है. तो यहाँ पर हल्दी ने अपने नाम का जो पहला लेटर है एच वो छोटा लिख दिया, उसको बड़ा लिखना था. यही उसकी मिस्टेक है. राइट हर नेम करेक्टली. हमें उसका नाम अब सही करके लिखना है. तो सही करके जब हम लिखेंगे तो यहाँ कैपिटल एच लिख देंगे. एच ए एल डी आई. नाउ नाउ राइट योर नेम करेक्टली. और नीचे वाली लाइन में आपको अपना खुद का नाम लिखना है. इस लाइन में आप अपना नाम लिखेंगे और फर्स्ट लेटर आप कैपिटल बड़ा ही रखेंगे. और जो ये व्हाट वाज इट, इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आप यहाँ से देख के लिखेंगे कि हमें बताना है उसकी गलती क्या है. तो उसकी गलती क्या थी? शी डिड नॉट कैपिटलाइज द फर्स्ट लेटर ऑफ हर नेम. ये आंसर आप अपनी कॉपी में लिखेंगे, और जो आंसर की जगह बुक पे दी है वो आप सिर्फ बुक पे ही लिखेंगे. कॉपी पर सिर्फ आप इतना लिखेंगे. इसमें हमें बताना है कि उसकी गलती क्या थी. शी डिड नॉट कैपिटलाइज द फर्स्ट लेटर ऑफ हर नेम. मतलब उसने अपने नेम का पहला लेटर कैपिटल में बड़े में नहीं लिखा था. ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हल्दी रोट आई मेट अ जिराफ. हल्दी ने ऐसे लिखा आई मेट अ जिराफ. आई स्मॉल. शी मेड टू मिस्टेक्स. अब उसने यहाँ पर दो मिस्टेक्स की हैं. व्हाट आर दे? वो क्या हैं? राइट हल्दी सेंटेंस करेक्टली. और हमें हल्दी का
सेंटेंस फिर ठीक करके लिखना है। जो उसने आई मेट अ जिराफ सेंटेंस लिखा है, इसमें उसने दो गलती की हैं, वो हमें बतानी है। आप यहाँ से वो दो गलती देख सकते हैं। शी डिड नॉट कैपिटलाइज द फर्स्ट अल्फ़ाबेट ऑफ द सेंटेंस। अब देखो, नाम का पहला लेटर भी कैपिटल होता है, और जब हम एक सेंटेंस लिखते हैं उसमें जो फर्स्ट लेटर होता है वो भी कैपिटल होता है, लेकिन हल्दी ने तो छोटा आई लिखा है, तो ये उसकी गलती है कि उसने कैपिटल में नहीं लिखा, और सेंटेंस के लास्ट में उसने फुल स्टॉप भी नहीं लगाया था। शी डिड नॉट पुट फुल स्टॉप एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। ये आपकी बुक में गलती से फुल स्टॉप लग गया है सेंटेंस के पीछे, इस क्वेश्चन में यहाँ फुल स्टॉप नहीं आएगा, ओके? इसी लिए उसकी दो मिस्टेक्स हो जाएंगी, एक उसने कैपिटल लेटर नहीं लिखा और एक फुल स्टॉप नहीं लगाया। और फिर हमें बाद में इस सेंटेंस को सही करके लिखना है। सही सेंटेंस ये होगा, आई देखो हम कैपिटल लिखेंगे और लास्ट में फुल स्टॉप लगाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू हैव अंडरस्टूड ऑल द क्वेश्चंस। थैंक